जो लोग ये वीडियो को छोड़ के जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए बस एक ही बात बोलूंगा भाई। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब, बहुत पछताने वाले हो यार तो। और आप लोग कैसे विदाउट पॉलिसी एक्सेप्ट किए हुए व्हाट्सएप को चला सकते हो? ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप मेरे को थैंक्स बोल के जाने वाले हो। वीडियो आपकी प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। बाद मार्क भैया आपके पैर पकड़ने वाले हैं, उनकी बहुत जोरों से बाट लगने वाली है। चल फंसा के दिखा। नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का सुबह, तो मैं उसको देखने लगा, उसमें पढ़ने लगा, ठीक है। फिर उसके बारे में मैं सोचने लगा यार कि मैं अगर प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो क्या मेरा व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। डर गया, वेबसाइट वगैरह पे सर्च की और काफ़ी सारा सर्च करने के बाद मेरे को एक प्राइवेसी पॉलिसी दिखी व्हाट्सएप की। वहाँ पर मेरे को बहुत नज़र गई और मैंने उस प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना चालू की। और जैसे ही मैंने पढ़ना चालू किया तो यार बस पढ़ते पढ़ते मैं कहीं से वेबसाइट से कहीं और पहुँच गया। तो वहाँ पर मैं जहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पता चला मेरे को व्हाट्सएप की कि मेरे होश उड़ गए। और उसके बारे में जानकर तो यार आपके भी होश उड़ जाएंगे बिल्कुल। पढ़ते पढ़ते मैं एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच गया जिसका नाम था, पढ़ते पढ़ते मेरे को एक चीज़ मैंने वहां पर पढ़ी कि यार अमेरिका भारत के अलावा जितनी भी कंट्रीज है सब लोगों ने व्हाट्सएप को निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल गजब बेइज्जती है। एक बात मैंने सोची कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि यूरोप जैसे देशों में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लागू नहीं कर पा रहे हैं और यूरोप वालों ने उन व्हाट्सएप वालों को धमकी दी है। तो यार ऐसा उनके पास क्या था जो, तो अब निकल के बात आती है मेरे भाई कि GDPR एक्ट क्या होता है और आप लोग कैसे विदाउट पॉलिसी एक्सेप्ट किए हुए व्हाट्सएप को चला सकते हो। देखिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए। तो इस स्क्रीनशॉट में क्या फ़र्क है तो वो देखिए आप। इस स्क्रीनशॉट में देखिए पहला वाला जो नंबर है वो 91 से स्टार्ट है, वो जो कि इंडिया का है। और जो सेकंड वाला है वो किसी US वगैरह मतलब यूरोप वगैरह का है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अब इन दोनों में की मैंने ये आपको बात क्यों बताई उसका भी एक रीज़न है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप भी इस टाइप का नंबर ले सकते हो, ये जो यूरोप का नंबर है वो इंडिया में ले सकते हो। कैसे ले सकते हो उसका मैं आपको आई बटन पे एक लिंक दे रहा हूँ। ये रुको जरा, सबर करो, इसके बारे में पहले जान लो कि कैसे क्या करना है, वरना बाद में बोलोगे कि भाई आपने ये नहीं बताया था। तो लेने से होगा क्या, तो इस नंबर को लेने से आपको फायदा ये होगा कि आप ही यूरोप देश का व्हाट्सएप चलाने लगोगे। अब जब आप यूरोप देश का व्हाट्सएप चलाने लगोगे तो आपको क्या होगा, जो आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास बार बार नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और जो आपका रियल नंबर है वो रियल नंबर नहीं जाएगा इस व्हाट्सएप से, ठीक है। और तो आपको ये फ़ायदा होगा और आपको ये चलाओगे तो आपको इनक्रप्शन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो हटाया नहीं है ना, वहाँ तो प्राइवेसी पॉलिसी अभी लगी नहीं है तो उनका इनक्रप्शन मिलेगा। वो तो सोचेगा ना जो हम जो व्हाट्सएप चला रहे हैं ये यूरोप नंबर का वो यूरोप का है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप वाले जितने भी फ्रेंड हैं सबको उनको भी दे दो ये वीडियो, तो वो भी बना लेंगे और आप भी बना लो, सब लोग बना के इसको व्हाट्सएप की तरह चलाओ, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने। तो यार उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो बहुत, और अपने ओपिनियन दो यार वीडियो के बारे में कि यार आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और ये नॉलेज कैसी लगी। तो बिल्कुल यार इस टाइप का लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दो, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, अगर आपको कुछ और भी कमेंट वगैरह है तो आप कर सकते हो नीचे कमेंट।